कोयला जब निकलता है जमीन से, उसके बाद में उसके हम उत्पाद बनाते हैं। कोयले में से हम नई नई कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोयले के उत्पाद, जैसे कि कोक हो गया। तो ये हो गए, ये क्या हो गए उत्पाद, ये हो गए कोयले के उत्पाद, कोक, कोलता, कोयला गैस। अब हम इसके उत्पादों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोक क्या होता है? कोक एक बहुत ही काले रंग का पदार्थ होता है, बहुत ही कठोर होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, इस्पात वगैरह के औद्योगिक निर्माणों में करते हैं, और काफी सारे धातुओं को अच्छा धातुओं को बना सही उनका निष्कर्षण करने के लिए भी हम कोक का यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोक जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है कोक। ये कोक, कोका कोला वाला कोक नहीं है, ये कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक है। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कार्बन का शुद्ध रूप कोक। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं कोलतार के ऊपर। कोलतार जो है वो जो आप घरों में, अब हम सड़कों पे जाते हैं, हम अपने बचपन से सुन, आप बचपन से देखोगे सुनते आ रहे हो अभी, जिसको हम तार कोल बोलते हैं, वही एक्चुअल में वो सही से उसको जब हम बोलते हैं तो वो होता है कोलतार। अब तारकोल का निर्माण तो आपको पता है, हम उसका निर्माण सड़कों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम सड़कें बनाने के लिए तो हम कोलतार का निर्माण करते हैं। उसके बाद उसका पेंट वगैरह, हमारे रंग वगैरह होते हैं उनमें यूज किया जाता है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो जैसे गन पाउडर वगैरह, उनमें कोलतार का यूज किया जाता है। उसके बाद में आपका प्लास्टिक बनाने के लिए कोलतार का यूज किया जाता है। और एक होता है नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, नेफ्थलीन की गोलियों में भी कोलतार का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोयला गैस की। कोयला गैस जब हम कोलतार बनाते हैं कोयले से, तो ये कोयला गैस का निर्माण होता है। अब कोयला गैस का जो यूज होता है, उसका यूज किया जाता है, उसका यूज उद्योगों में ईंधन के लिए, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, वहां पर ईंधन के रूप में कोयला गैस का यूज किया जाता है। और जहां पर भी हमें ज्यादा मात्रा में, जहां पर हम गैसों का हमें आदान प्रदान, जहां पर हम कोक वगैरह जो कोयला है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वहां पर ऐसी जगह पर सीधा डायरेक्ट पहुंचाने के लिए कोयला गैस का यूज किया जाता है, उनमें एनर्जी के लिए, उनमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब हमने देखा तय कोलतार के उत्पाद, कोक हो गया आपका, कोयला गैस था, और क्या था आपका, कोलतार था। अब इनके जितने उपयोग मैंने बताए हैं वो तो आपको याद हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई उपयोग दिख रहा है, इनके अलावा आप कोई सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं इनके उत्पाद योगों की, कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो वो भी पता कीजिए और अपनी बुक में, अपनी कॉपी में उसको भी नोट कीजिए, ताकि आप अपने क्वेश्चन जब आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें अच्छे मार्क्स के लिए उन चीजों को भी लिख सकें। ठीक है, धन्यवाद।